हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप वाइट बोर्ड स्केच एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ठीक इसी प्रकार से आप वाइट बोर्ड स्केच एनिमेशन बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसे स्केच एनिमेशन बनाने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। उस एप्लीकेशन का पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं ये भी बताऊँगा पूरा ट्यूटोरियल बताने के बाद कि ऐसी वीडियोस को हम लोग गैलरी में कैसे सेव करते हैं, वो भी बिना वाटरमार्क के। दोस्तों, अगर आप बिना वाटरमार्क के सेव करेंगे तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एप्लीकेशन की। जैसा कि मैंने बताया, एप्लीकेशन का नाम है वीडियोस्क्राइब, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको ओपन होकर इंटरफेस आएगा। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ डाउनलोड करने को आएगा, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, फाइल्स होंगी कुछ, वो डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन कर लेना न्यू प्रोजेक्ट। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कई ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आप इमेज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी इमेज ऐड कर ली। दोस्तों, आप यहाँ पर ऐड इमेज का ऑप्शन ऊपर देख सकते हैं, यहाँ से आप गैलरी से इमेज इम्पोर्ट कर सकते हैं। और मैंने पहले से ही इम्पोर्ट करके रखी थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप अपनी जो इमेज है वो सेट कर सकते हैं। दोस्तों, इमेज जो है वो आप अपनी सेट कर सकते हैं अपने हाथों से ही। और इसकी जो टाइमिंग है दोस्तों, किसी भी पिक्चर जो आप वहां से इम्पोर्ट करेंगे उसकी जो टाइमिंग है वो आप यहां पर सेट कर सकते हैं। देखिए, आप अभी 8 सेकंड है, इसे मैं 5 सेकंड पर सेट कर देता हूं। दोस्तों, 5 सेकंड पर सेट करने के बाद एक बार फिर से मैं आपको यह वीडियो चला के दिखा देता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो अभी हमने पिक इमेज सेट की थी वो यहाँ पर बनकर आ रही है। तो दोस्तों, मैंने आपको बिल्कुल लाइव दिखाया आप कैसे सेट कर सकते हैं। और भी आपको कोई पिक्चर ऐड करनी है तो दोस्तों, यहाँ पर आइकन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर जाकर आप कोई भी जो कैटेगरी यहाँ पर दी गई है उसे ओपन करके कोई भी पिक्चर जो है वो लगा सकते हैं, या फिर आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने टेक्निकल अभी अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिख रखा है। ऐसे ही आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख के ओके कर सकते हैं, उसकी भी टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद तीसरा ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पर म्यूजिक का। यहाँ पर फ्री म्यूजिक दिए गए हैं बहुत सारे, इसे आप यूज कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। बहुत सारे म्यूजिक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो कोई भी म्यूजिक आप यहां से यूज कर सकते हैं। और म्यूजिक यूज करने के बाद दोस्तों, अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो भी आप यहां से रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन है वॉइस ओवर का, यहां से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है क्योंकि आप इससे कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, जो वीडियो मेकिंग का हैंड है वो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हैंड का जो ऑप्शन आता है वहाँ से आप हैंड सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे हैंड दिए गए हैं, 3 हैंड दिए गए हैं और लेजर लाइट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी मेरे वीडियो में हैंड यूज हो रहा है। दोस्तों, अभी मैं इसे चेंज करके दिखा देता हूँ, लेजर लाइट करके दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। चलिए, मैं आप वीडियो चला के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं लेजर लाइट का यूज हो रहा है। दोस्तों, ऐसे ही आप अपनी वीडियो में चेंजेस कर सकते हो, ऐसी वीडियो बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसे सेव कैसे करना है। इसे सेव करने के लिए दोस्तों, इसे प्ले कर देना, और प्ले करते टाइम आपको अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड कर लेनी है। स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद, जैसे मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, ऐसे स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद आप उसे काइन मास्टर या फिर पावर डायरेक्टर में ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए उसे यूज कर सकते हैं और उसमें ओपन कर सकते हैं। और नीचे जो आपको जूम अटेंड या फिर जो एरो दिख रहे हैं उसे आप व्हाइट बोर्ड से हाइड कर सकते हैं। दोस्तों, काइन मास्टर हो या फिर पावर डायरेक्टर, दोनों में ही व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे ही आप अपनी वीडियो जो है गैलरी में सेव कर सकते हैं।
ऐसे ही बनाकर। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं।